मोटो जे 84 वर्सेस टेक्नो कैमोन 20 प्रो। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज किस वीडियो पर देखेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन 20,000 के अंदर सबसे बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप एक लाइक भी कर दीजिए। तो पहले दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं। तो पर दोनों फोन का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का फ्रेम है, लेकिन बैक में आपको लेदर फिनिश देखने के लिए मिल जाता है दोनों फोन के अंदर। लेकिन मोटो जी 84 का जो ब्लैक कलर वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको प्लास्टिक बैक देखने के लिए मिलता है। और अगर आईपी रेटिंग की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर आईपी रेटिंग दिया गया है। मोटो के अंदर IP54 का रेटिंग और टेक्नो के अंदर IP53 का रेटिंग मिल जाता है, मतलब हल्के फुल्के पानी के छींटे और डस्ट से प्रोटेक्ट रहने वाला है। और अगर वेट एंड थिकनेस की बात करते हैं तो पर मोटो जी 84 का वेट है 168 ग्राम, थिकनेस है 7.6 mm। टेक्नो कैमोन 20 प्रो का वेट है 193 ग्राम, थिकनेस है 7.8 mm। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोटो जी 84 जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और काफ़ी स्लिम देखने के लिए मिलता है। और अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर सभी सेंसर्स दिए गए हैं, साथ ही में दोनों फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और अगर ऑडियो की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर डुअल स्पीकर दिया गया है। दोनों फोन के अंदर हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन है। मोटो के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन है और टेक्नो के अंदर DTS साउंड देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल दोनों फोन का ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो पर मोटो जी 84 के अंदर 6.55 इंच का फुल HD प्लस PLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ, साथ ही में 1300 निट्स का ब्राइटनेस, 10 बिट पैनल यूज किया गया है इसके अंदर, साथ ही में NAG ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और टेक्नो कैमोन 20 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, साथ ही में 800 निट्स का ब्राइटनेस और इसके अंदर भी आपको 10 बिट पैनल मिलता है, साथ ही में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो पर नो डाउट दोनों फोन का जो डिस्प्ले है आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। साइज में थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है टेक्नो कैमोन 20 प्रो का, और साथ ही में गेमिंग के मामले में भी यहाँ पर टेक्नो कैमोन 20 प्रो का जो डिस्प्ले है थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है 360 हर्ट्ज का। ओवरऑल दोनों फोन का डिस्प्ले आपको अच्छा ही देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद बैटरी एंड चार्जिंग की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलता है, साथ ही में दोनों फोन के अंदर 33 W का चार्जिंग देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पर मोटो जी 84 के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 देखने के लिए मिलता है, जो कि 6 nm वाला प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, साथ ही में LPDDR4X रैम सपोर्ट, UPS 2.2 स्टोरेज टाइप सपोर्ट और एंतु स्कोर लगभग 4,30,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है। और टेक्नो के 120 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 देखने के लिए मिलता है, जो कि 6 nm टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, LPDDR4X रैम सपोर्ट, UPS 2.2 स्टोरेज टाइप सपोर्ट और इसके एंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो लगभग 6,10,000 के आसपास एंतुतु स्कोर देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप साफ साफ देख सकते हो ज़्यादा एंतु तो स्कोर मिलते हैं टेक्नो के अंदर, मतलब अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़र हो, अगर आप ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलते हो तो पर आपके लिए टेक्नो के 120 प्रो बेटर होने वाला है। और उसके बाद UI की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर Android 13 देखने के लिए मिलता है। मोटो जी 84 के अंदर MyUX देखने के लिए मिलते हैं, मतलब क्लीन Android देखने के लिए मिलते हैं, कोई भी ब्लोटवेयर, कोई भी एड्स देखने के लिए नहीं मिलता है। 1 साल का Android अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और टेक्नो कैमोन 20 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर HiOS देखने के लिए मिलता है, काफ़ी सारे अनवांटेड एप्स देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे। और इसके अंदर 1 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल कहना चाहूँगा UI के मामले में मोटोरोला का UI बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फीलिंग भी मिल जाता है, साथ ही में 1 साल ज़्यादा सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाता है। लेकिन फीचर्स के मामले में टेक्नो बेस्ट है, क्योंकि टेक्नो के अंदर आपको भर भर के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो पर मोटो जी 84 के अंदर 14 5G बैंड्स दिया गया है, साथ में वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.1 है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब 2 सिम एक साथ या फिर 1 मेमोरी कार्ड और 1 सिम यूज कर पाएंगे और NFC का भी सपोर्ट मिलता है। और टेक्नो कैमोन 20 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर 10 5G बैंड्स मिलते हैं, साथ ही में वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब इसके अंदर भी आप एक साथ 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज कर पाएंगे, साथ ही में NFC भी देखने के लिए मिलते हैं। तो फिर कनेक्टिविटी के मामले में दोनों फोन आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा 5G बैंड्स चाहिए तो इस मामले में मोटो बेटर है। और उसके बाद अगर फाइनली कैमरे की बात करते हैं
मोटो जे 84 के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो कि ओएस के साथ आता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइट लेंस जो कि मैक्रो सेंसर का भी काम करता है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते तो आप रियर कैमरा से फुल एचडी तक वीडियोस रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60 FPS पर और फ्रंट कैमरा से फुल एचडी तक वीडियोस रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और टेक्नो गैमन 20 प्रो की बात करते तो इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो कि G+P RGBW सेंसर है जो कि OIS वाला सेंसर है और इसके साथ ही आपको 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलते हैं और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो आप रियर से 4K तक वीडियोस रिकॉर्डिंग कर पाएंगे अप टू 30 FPS तक और फ्रंट कैमरा से 2K तक वीडियोस रिकॉर्डिंग कर पाएंगे अप टू 30 FPS तक। तो दोस्तों अगर बात करते हैं पर कौन सा कैमरा बेटर है तो मोटोरोला की बात करते हैं तो प्राइस की सबसे मोटोरोला का कैमरा सेटअप आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। अल्ट्रा वाइड लेंस है, साथ ही में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर ओएस के साथ नो डाउट यहाँ पर मोटोरोला का कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है प्राइस की सबसे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और बेटर कैमरा चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए टेक्नो बेटर होने वाला है क्योंकि इसके अंदर RGBW सेंसर देखने के लिए मिलते हैं 64 मेगापिक्सल का, मतलब आपको एक अच्छी क्वालिटी का लेंस मिलता है, अच्छे खासा फोटोज आप निकल पाएंगे, साथ में सेल्फी कैमरा भी बेटर मिल जाता है और इसके अंदर आपको 4K वीडियोस रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल कैमरे के मामले में दोनों फोन का कैमरा अच्छा है लेकिन थोड़ा सा और बेटर कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है टेक्नो गैमन 20 प्रो के अंदर। और उसके बाद प्राइस एंड वेरिएंट की बात करते हैं तो पर मोटो G84 का एक ही वेरिएंट है, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ आपको 20,000 रुपये में मिल जाता है। और टेक्नो गैमन 20 प्रो की बात करते हैं तो इसका दो वेरिएंट है, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 20,000 रुपये में मिलता है और 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 22,000 रुपये में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं पर इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर होने वाला है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, कभी कभार गेम्स वगैरह खेलते हो और आपको एक प्रीमियम दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए, प्रीमियम फील चाहिए, साथ ही में लाइटवेट फ़ोन चाहिए, स्लिम स्मार्टफोन चाहिए और UI भी अच्छा खासा चाहिए, मतलब कोई भी फालतू के ऐप्स और ब्लोटवेयर नहीं चाहिए, आपको क्लीन UI चाहिए, तो फिर आपके लिए मोटो G84 बेटर होने वाला है। और इसका कैमरा भी आपको प्राइस की सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता है और सबसे मेन चीज़ आपको कम प्राइस के अंदर 12 GB का रैम मिल जाता है। लेकिन अगर आपको गेम्स वगैरह खेलना है, साथ ही में आपको बेस्ट कैमरा सेटअप चाहिए वो भी 20,000 के अंदर, तो फिर आपके लिए टेक्नो गैमन 20 प्रो बेटर होने वाला है। ओवरऑल देखा जाए 20,000 के अंदर टेक्नो गैमन 20 प्रो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मोटो G84 भी 20,000 के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो इसका थोड़ा सा वीक पॉइंट बन जाता है। तो ओवरऑल कहना चाहूँगा अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आपको ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन चाहिए, गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो आप मोटो G84 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आपके लिए टेक्नो गैमन 20 प्रो बेटर होने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।